हाय फ्रेंड्स, टारगेट जेएसएससी में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो मगध यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड के विद्यार्थी हैं और जिनका कॉलेज नॉन अफिलिएटेड है, उनके लिए ये खुशखबरी काफ़ी बड़ी निकल के आ रही है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्या है न्यूज़ और क्या खुशखबरी है इसमें जानने वाली बात। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल टारगेट जेएसएससी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको आराम से पहुंचा सकें और आप उस वीडियो को देख सकें। तो सीधा सीधी बात यही है कि जिनका रिजल्ट पार्ट थर्ड का रिजल्ट लंबित था, उन्हीं को लेकर के जो है एक मीटिंग हुआ, समारोह हुआ है, जिसमें इस बात को रखा गया है। तो इसको हम प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस सारे बातों को हम खुलासा करने वाले जल्द ही करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब जो हम लोग कितने बार अनशन कर चुके थे, मगध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बहुत बार अनशन किए, मतलब प्रोटेस्ट किए और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या नहीं, किस नेता के पास नहीं गए, राजनीतिक मामला हो या फिर प्रशासन के पास हो या फिर कोर्ट के पास हो, मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हर जगह पर अपना माथा टेक, लेकिन कहीं भी उनको इंसाफ नहीं मिला, कहीं भी उनको राहत नहीं मिली। तो उसी को लेकर के जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के एन पासवान ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है और एमयू के पदाधिकारी भी उसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं पेपर कट आउट, ये देखिए पेपर कट आउट है, लिखा है मगध विश्वविद्यालय सीनेट ने विभिन्न समितियों के निर्णयों पर लगाई मुहर। इसमें क्या गया, थर्ड पार्ट के लंबित रिजल्ट जारी करने पर सहमति है ना, सहमत है पार्ट थर्ड के रिजल्ट को जारी करने के लिए। लोकसभा का चुनाव जो है उसी के कारण ये संभव हो पाया है, अन्यथा जो यूनिवर्सिटी ना प्रशासन ना कोई नेता हमारी मदद करने वाला था, ये लोकसभा चुनाव के कारण ही आज ऐसा हो रहा है। और हमारे अत्यंत कठिन परिश्रम, जो कि हम लोग बहुत बार इस तरह से कर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर किए, अपने भविष्य को लेकर किए। तो क्या लिखा है इसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस कॉर्नर में आप देखिए, यहाँ पर लिखा है मगध विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आहूति सीनेट में बैठक में छात्रों की समस्याओं से जुड़े छाए रहे। इसके तहत जो है छात्र प्रतिनिधियों ने स्नातक पर पीजी परीक्षा के समय शुरू कराने व रिजल्ट प्रकाशन का जोर देते हुए छात्रावास सहित अन्य समस्याओं को प्रमुख बात रखा गया। और साथ ही साथ क्या रखा गया, और उन कॉलेज के छात्रों का स्नातक थर्ड पार्ट का परीक्षा परिणाम तैयार है, उसे प्रकाशित करने की दिशा में प्रयास किया जाए। मतलब जो हमारा पार्ट थर्ड का रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, इस मामले में भी बात हुई है, लेकिन कब होगा ये पता नहीं, जल्द किया जा सकता अगर अच्छा रहा तो हम लोग का दिन। और देखिए आगे क्या लिखा है, आगे फिर देखिए, इसके सीनेट हाउस की ओर से राज्य सरकार ने अर्जी पेश किया जाए और ध्यान रखना होगा कि इस कार्य में न्यायालय निर्देश की अवहेलना भी ना होने पाए। इस प्रस्ताव को सीनेट के सभी सदस्यों ने सहमति मिली और इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्णय किया गया। उल्लेखनीय है कि वैसे कॉलेज जिनमें करीब 85,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है और इसे लेकर छात्रों ने आंदोलन भी किया है। इसके अलावा छात्रावास में पहचल, मतलब सीधा सीधा जानिए, हमारा पार्ट थर्ड का रिजल्ट अगर सही रहा, सब कुछ अगर हमारा भविष्य का चिंता प्रशासन को, सरकार को और जो है यूनिवर्सिटी को है, तो जल्द प्रकाशित कर सकता है। और होने का कारण, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोकसभा चुनाव वोट का एक बहुत बड़ा बैंक जो बनने वाला है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बनेंगे, इसी को लेकर के जो है एक तरह से सरकार भी हमारे और कुछ ध्यान दे रही है। तो यही था आज का नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया था मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप